कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन में करीब 2 महीने बाद प्रदेश के सभी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं है, लेकिन जहां भी स्टेडियम खोले गए हैं वो केवल खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए ही खोले गए हैं और अभी इन स्टेडियम में कोई मैच नहीं खेले जाएंगे। साथ ही दर्शकों को भी स्टेडियम में अनुमति नहीं दी गई है। ऐसे में 2 महीने बाद खिलाड़ी फिर से स्टेडियम में आना शुरू हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन जारी है। ऐसे में लॉकडाउन 3 के बाद में स्टेडियम में प्रयास को लेकर अभ्यास को लेकर खिलाड़ियों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वो तमाम जिस तरह से आप देख सकते हैं एसएमएस स्टेडियम में जो 3 दर्ज खिलाड़ी है वो बात करें तो कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में जो स्टेडियम है वहाँ पर किसी तरह की जो अभी तक छूट नहीं दी गई है। हालांकि जहाँ जहाँ स्टेडियम में खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और जो मैचेज के लिए छूट दी गई है उसमें भी जो कुछ नियम है कहने हैं जो नियम बनाए गए हैं उनका फॉलो करना होगा। जिस तरह से उनको सैनिटाइज रखना होगा, मास्क लगाना होगा और जो तमाम जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जो तमाम गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा। हमारे साथ कुछ जो तीरंदाज खिलाड़ी है उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज खिलाड़ी जयराजी चौहान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि लॉकडाउन के दौरान अब स्टेडियम खोल दिए गए हैं, आपका अभ्यास फिर से शुरू हो गया है, इस दौरान किस तरह से अब अभ्यास कर रहे हो, कौन कौन सी जो गाइडलाइन है उसके नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं? देखिए सर, अभी जैसे कि कल रात को ही एडवाइजरी जारी हुई है राजस्थान गवर्नमेंट की कि खेल मैदान खोल दिए गए हैं, तो आज से हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की है। बट अभी हम एक शेड्यूल प्लान करेंगे जिसके तहत 10 खिलाड़ी 2 घंटे के लिए ही प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो 10 होंगे उनको मौका दिया जाएगा। इससे क्या है कि ग्राउंड के ऊपर एकदम से भीड़ नहीं होगी और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि वैसे अगर तीरंदाजी खेल के नियमों को देखा जाए तो उसमें एक टारगेट पर 3 खिलाड़ी शूट कर सकते हैं, बट अभी इस बीमारी के चलते, महामारी के चलते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि एक टारगेट पर एक ही खिलाड़ी शूट करेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस है तो प्रैक्टिस के अंदर हम फेर बदल कर सकते हैं, जिससे क्या है कि जो फैलने का जो खतरा है, इस बीमारी का फैलने का खतरा है, उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी और उससे बचाव भी होगा। तो एक टारगेट पे एक खिलाड़ी ही शूट कर पाएगा, जिससे हम आसानी से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी रख सकते हैं। करीब 2 महीने बाद में स्टेडियम खोले गए हैं, ऐसे में जो 2 महीने का पीरियड रहा उस दौरान किस तरह की प्रैक्टिस की गई है और किस तरह से अपने आप को फिट रखने की कोशिश की गई है? देखिए सर, जो पिछले 2 महीने हैं वो सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे से बिताए, मैंने खुद ने भी, क्योंकि एक खिलाड़ी है, ठीक है हम ग्राउंड में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट हम घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, और वही चीज़ मैंने फॉलो करी, योगा किया, त्राटक किया, एक्सरसाइज की, तो इस चीज़ से मेंटली मैं प्रिपेयर था कि जिस दिन भी ग्राउंड खुलेगा मैं जाके उसी रूटीन में प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा, जो रूटीन मैंने छोड़ा था, जिस लेवल पे मैंने छोड़ा था वही चीज़ मैं वापस रिकवर कर लूँगा। जिस तरह से इन्होंने बताया करीब 2 महीने बाद में जब स्टेडियम खुले हैं तो उसी तरह से प्रैक्टिस करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो तमाम जो गतिविधियाँ हैं वो अपनानी पड़ रही है, उस तरह के नियम फॉलो करने पड़ रहे हैं जो कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की गई है, उन्हीं सब बातों को लेकर ध्यान में यहाँ पे रखा जा रहा है। जयपुर से कैमरामैन निमिचंद पांचाल के साथ लोकेश ओला एवं।